धन्यवाद है उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में करते आया है। हम सच में प्रभु से कहें कि प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये बातें आपको अच्छी लगती है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ते हैं सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ते हैं सारे बंधन। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों अनंत जीवन है, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। मेरी सांसे हाँ, मेरा जीवन तू ही तो चलाता है। मेरी सांसें हाँ, मेरा जीवन तो ही तो चलाता है, मेरे बिना कैसे घर में जाऊंगा, तेरे बिना कैसे जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। धन्यवाद हो खुदा इस समय के लिए जब हम आपके वचनों को सीखने जा रहे हैं। खुदा हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारे मनों के विचारों को, ऐसी सारी बातों को पिता परमेश्वर, जो कई बार हमें पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट करती है, हम यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि इस जगह में पिता परमेश्वर जब हम एक माध्यम से जुड़े हुए पिता परमेश्वर, तो सिर्फ वो बात जिस के लिए हमने अपने समय को निकाला है, वो वचन को, वो ज्ञान को, वो शिक्षा को पिता परमेश्वर हम सुन सके। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय, और मैं सभी का स्वागत करता हूँ SWC मिनिस्ट्री में, हमारे परिवार में, कि हम काफी समय से हम ऑनलाइन फेलोशिप को करते आ रहे हैं। ये प्रभु का एक दया है हमारे जीवन में कि हम इसको निरंतर करते आ रहे हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे मध्य में रीवा से मेरे बड़े भाई और पास्टर अतुल हैं, हम उनके साथ में वचनों में जाएंगे और वो आगे हमें अगुवाई करेंगे। तो हम अपने अपने स्थानों में हैं, हम दिल से उनका धन्यवाद करें, हम दिल से उनका ताली के साथ स्वागत करते हैं कि वो आए और अपने उपदेश को आगे दें। धन्यवाद।
आपका वॉइस नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन है जो वाईफाई डाटा का, ठीक आ ओके, सभी को जय यीशु सहाय, और परमेश्वर को महिमा मिले इस मौके को उसने हमें दिया कि हम मिल के उसकी आराधना करने पाए हैं। और धन्यवाद भाई अब्राहम को कि एक महत्वपूर्ण समय में और एक अच्छी आराधना को हमने मिल के उनके साथ किया, और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर। और प्रभु जी समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपकी बातों में आपके वचन से सीखने वाले बने, मनन करने वाले बने पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। इस संध्याकालीन समय में जितने लोग हम प्रभु जी इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमें बुद्धि ज्ञान दे ताकि तेरे वचन से हम सीखने पाए पिता परमेश्वर, और आपके अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कि किस रीति से इनको समझें, लेकिन प्रभु छोटी छोटी बातों से प्रभु जी आप हमें सिखाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में एक इस तरीके से काम करे कि प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी आप में धन्य हो जाए। आगे समय को आपके दरवाजे के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु जी हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा नाम अतुल है, कई लोग आप लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, और अभी फिलहाल मैं रीवा में हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे मौके देता है कि मैं परमेश्वर के वचन से बांट सकूँ। और ये काफी मनोहर बात है, काफी अच्छी बात है, और ये मेरी जिंदगी में कई बदलाव को लेके आती है। ऐसा नहीं होता कि जब कोई प्रचारक है, प्रीचर है, पास्टर है, फादर है, या फिर अन्य लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, उनके जीवन में स्ट्रगल्स नहीं होते, या हर चीज उनकी पवित्रता पूरी रीति से वो भी जूझते हैं कई चीजों से, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब वो जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर उनको उन वचनों से ही सिखाता है और सिखाने के लिए प्रेरित भी करता है। हालेलुया। तो मैं भाई अब्राहम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरे एसडब्ल्यूसी के मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मौका मुझे मिला है। और आज हम कुछ छोट ज्यादा गहन चिंतन में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल सी सी बातें हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, बहुत ही नॉर्मल बातों पे हम ध्यान देंगे। और काफी बार हम इन बातों को सीखे हैं, समझे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम भूल गए हों, लेकिन आज प्रभु इन वचन से हमें फिर से उसको रिन्यू करना है, उन वचनों को हमारे अंदर रिन्यू कर रहा है, हमारी जिंदगी को फिर से प्रभु में करीब लाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस दुनिया में देखते हैं कि या इस दुनिया में सोसाइटी में कल्चर में हम जब देखते हैं, तो हम हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई लेबल लेकर घूमता है। लेबल जानते हैं आप, किसी को हम कोई शीर्षक दे देते हैं, किसी के नाम दे देते हैं। हम स्कूल्स में होते हैं तो हम किसी का नाम रख देते हैं, है ना, स्कूल में कोई कोई कैसा दिखता है तो उसका नाम रख देते हैं, किसी कलर के कारण उसका नाम रख देते हैं, है ना। ये सब बचपन की बात है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लोग किसी न किसी नामों से जाने जाते हैं, है ना, या किसी न किसी तरीके से उनको डिवाइड कर देते हैं जब वो बात करते हैं, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि ये कांग्रेस वाला है, वो बीजेपी वाला है, इस रीति से भी बोलते हैं, और अलग अलग चीजों को बोलते हैं कि ये अमीर है, वो गरीब है। 99% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं, कई लोग कंजर्वेटिव्स हैं, कई लोग लिबरल्स हैं। इस तरीके से हम टॉपिक या लेबल्स हम एक दूसरे को दे देते हैं और इस पे अपने विचार प्रकट करते हैं, है ना। कहीं देखा होगा आपने ट्रेन में, ज्यादातर जब आप ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, स्लीपर कोच में या फिर सेकंड क्लास में, है ना, एसी में ज्यादातर लोग शांत से जाते हैं, वहाँ ज्यादा वो नहीं। पर पर्सनली मैं स्लीपर में या सेकंड क्लास में जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ लोगों की बातें सुनने में मुझे अच्छा लगता है और कंटेंट भी मिलता है, वो अलग चीज है। तो वहाँ लोग बात करते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो एक दूसरे से बात करते हैं कि आपका क्या ख्याल है राजनीति के लेकर, वो लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं,
किसी धारावाहिक के बारे में, क्रिकेट के बारे में, इन सारी चीजों के ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, किन बातों पे कुछ ना कुछ अपनी बातों को बताते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेबल्स, किसी न किसी को लेबल दे देते हैं कि वो ऐसा है, वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, इस तरीके से। तो जब हम देखते हैं कि इन सारी बातों का मतलब या किसी लेबल से, इन सारी जो संसार के लोग लेबल्स हैं, है ना, इन सब का कुछ लेना देना हमारे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, इन बातों का हमारे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, है ना। जब अंत के समय आएगा, जब हमें बुला लिया जाएगा, तब वहां पर इस चीज पे चर्चा नहीं होगी कि उस फलाने साल में, फलाने ईयर में कौन चुनाव जीता था, बीजेपी कांग्रेस, है ना, उस फलाने साल में किसकी ज्यादा पिक्चर हिट हुई थी, सलमान खान शाहरुख खान, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी मतलब के नहीं है। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में भी बहुत सारे लेबल्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम वहाँ बाइबल को पढ़ते हैं तो कई डिस्टिंग्विश हैं, एक दूसरे से कंपेयर करके दिखाया गया है, जैसे कि कई जगह पे ऐसा है कि विश्वासी और अविश्वासी, है ना, कहीं पे लिखा हुआ है कि भेड़े और बकरियां, कहीं पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, कहीं लिखा है शैतान के बच्चे, कहीं पे लिखा हुआ है सकरा मार्ग, कहीं पे लिखा हुआ है चौड़ा मार्ग। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन वहां दिया हुआ है, और इन सब चीजों से हम देखते हैं कि ये सब चीजें हैं परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं। जब हम बाइबल में हम देखते हैं तो ये लेबल्स जो हैं परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, और ये सब चीजें अगर हम चीजें हमारे साथ हैं, इन चीजों को हम अगर समझते हैं, तो जब अंत का समय आएगा तो जो सांसारिक लेवल से, सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू, सांसारिक चीजों की जो बातें हैं वो हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम वचन में हैं तो ये सारी चीजें हमारे अंदर रहेंगी कि किस रीति से। और ये वहां पर ये डिस्कशन जरूर हो सकता है कि क्या परमेश्वर से मैं प्यार करता था या नहीं करता था, क्या मैं यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया या नहीं किया, क्या मैं बाइबल को पढ़ता था या मैं बाइबल को नहीं पढ़ता था, या आप बाइबल को पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, उस पर चलते थे या नहीं चलते थे, या परमेश्वर को प्यार करते थे या नहीं करते थे, इन बातों पे डिस्कशन होगा और जब न्याय होगा। तो हम एक मसीह होने के नाते इन चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वचन भी इन चीजों को सिखाता है हमें बहुत अद्भुत रीति से। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय, काफी प्रचलित है ये, और थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट, और हम कुछ चीजों को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम देखते हैं इन वचनों में तो काफी प्रचलित है, और मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, हालांकि मैं पूरा पढ़ूंगा लेकिन हम कुछ पदों को इसमें से लेंगे। जैसे भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन उसका पहले पद से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आज कुछ सिखाने जा रहा है। हो सकता है कि मैं बोलने में उतना सक्षम ना हूँ, बताने में उतना सक्षम ना हूँ, तो लेकिन अपने मन हृदय को हम खोल के रखें ताकि परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाए। एक चीज हम अपने अंदर
रख लें और उसके अनुसार हम चीजों को करने वाले बने। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है ना, धर्मी पुरुष और एक दुष्ट पुरुष, दो टाइप के लोगों के बारे में बाइबल में बताती है, धर्मी पुरुष और दुष्ट पुरुष। और जो हम देखते हैं तो ये जो साम है, ये भजन संहिता है, वो शुरुआत में लिखा होता है इसमें कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो पहला वर्ष है उसमें तीन चीजें हैं समझने के लिए, हम उनको एक एक करके देखेंगे कुछ ही मिनटों में, कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य, ब्लेस्ड है ना, ऐसा व्यक्ति है, कौन है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो यहाँ इस वर्ष में तीन चीजें हैं, एक तो है युक्ति पर नहीं चलता, चलता मतलब वॉक, और उसके बाद में और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना, मतलब कि स्टैंड, खड़ा होना, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ तीन चीजें हैं जो हमें बतलाती हैं कि एक तो है सबसे पहला हमने देखा कि चलना, चलता है ओके, और जो दूसरा है वो है खड़ा होना, और जो तीसरा है वो है बैठना। और ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में हर दिन होती है ना, हाँ होती हैं, हर कोई उठता है, खड़ा होता है, ठीक है, देन उसके बाद बैठता है, चलता है ना, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। और उसी रीति से इन तीनों चीजों के ऊपर परमेश्वर हमें कुछ बताने जा रहा है। और जो ये शब्द है सबसे पहला हम जिसको देखते हैं, चलता है ना, मतलब वॉक, वॉक। और जब ये जब हम पुराने नियम से चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भाषा का उपयोग किया गया है वो हिब्रू लैंग्वेज है, इब्रानी भाषा का उपयोग किया गया है। तो हम उस रीति से इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो वॉक है, जो शब्द है, वो इसको लिया गया है एक हिब्रू शब्द से लिया गया है, और उस शब्द का मतलब होता है कि लिविंग, जीना, हमारी जिंदगी, कैसे हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इस हिब्रू शब्द का मतलब ये होता है कि क्या ही, हम पढ़ेंगे फिर से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब कि जो दुष्ट लोग करते हैं वैसा जीवन हमें नहीं जीना है। जैसा दुष्ट लोग परेशान करते हैं लोगों को, क्या हम परेशान करते हैं? क्या हमारा जीवन वैसा है? क्या हम वैसा जी रहे हैं? है ना, यहाँ चलना का मतलब है कि जिंदगी को जीना, जिंदगी को जीना, परमेश्वर के अनुसार जीना। हम हो सकता है हम बाइबल पढ़ते हों, हो सकता है हम प्रार्थना करते हों, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा रवैया लोगों के लिए ठीक नहीं होता। हम दूसरों पे दोष लगाते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं उतना, वो ऐसा करता है, वो इतना बुरा है, मैं उससे थोड़ा कम करता हूँ या कम करती हूँ ऐसा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति पर, विजडम, बुद्धि, उनके दिमाग के अनुसार हम काम ना करें। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसकी तरह अपनी सोच को हम ना बना लें। परमेश्वर हमें विनम्र होना सिखाता है, परमेश्वर हमें उसके अनुसार चलना सिखाता है। हमारा जो चलना है, हमारा जीवन है, उस पे उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो देख रहा है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे हम बिग बॉस वक्त के बारे में जानते हैं, कैमरा लगा है सब जगह, देखते हैं लोग क्या करते हैं क्या नहीं है। इसी रीति से परमेश्वर का जो कैमरा है हमारे ऊपर है, हमारा जीवन, हम किस रीति से जी रहे हैं। भले हम एक कमरे के अंदर अकेले हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है। अगर हम कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारा समाज हमें देख रहा है। वी आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह को हम अपने जीवन से दर्शाते हैं। हम मानते हैं कि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में उथल पुथल हो जाती हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका जीवन, आपका चलना
परमेश्वर संभालता है, आपको लड़खड़ाने नहीं देता। उस पर ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार जीवन को जिए। तभी ये वचन कहता है, क्या ही धन्य है पुरुष, कौन वो पुरुष जो धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अपनी बुद्धि को हम उस दुष्ट व्यक्ति के समान ना बना लें जो दिन भर षड्यंत्र करता है, दिन भर कुटिल बातें करता है, उस अनुसार हम अपने आप को ना बना लें। आगे हम देखते हैं, पहला तो वॉक, हमें अपना चलना, अपना जीना परमेश्वर के अनुसार बना के रखना है। हालेलुया। अब अगला देखते हैं, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। एक और शब्द है खड़ा होना, है ना। तो जो ये शब्द भी हिब्रू से ही लिया गया है, और जो शब्द है खड़ा होना, इसका मतलब वहां बताया गया है हिब्रू में कि संगति, संगति कहीं, जैसे कुछ लोग खड़े हैं, हम जाके वहां खड़े ही हो गए तो हमारी संगति हो गई। जैसे अगर चोर के साथ घूम रहे हैं तो चोर ही कहलाएंगे, भले चोर चोरी करे, आप उसके साथ थे, मैं उसके साथ था, हमको भी कहां डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो हमें जो पापी लोग हैं, है ना, जो दुष्ट के काम करते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, उनकी संगति में भी नहीं रहना है। हमको अपने आप को सेपरेट कर देना है, हमको अलग कर देना है। हम कई बार सोचते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हमारा वो दोस्त ज्यादा मजाक करता है उसके साथ जाएंगे, वो उसके साथ रहेंगे तो मजा आएगा, है ना। ये बहुत दुनिया की सारी चीजें हैं, है ना, कहीं कहीं अभिलाषाएं अंदर आ जाती हैं। ठीक, उसके साथ जाएंगे तो हम पीते थे, अब हम छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी संगति खींचती है हमें, हमें संगति खींचती है। हमारे पीने वाले दोस्त हैं तो जाएंगे तो थोड़ी सी पी लेंगे, आ जाएंगे, किसको पता चल रहा है, कोई थोड़ी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि पापियों से संगति ना करें, उनके बीच जाके खड़ा ना होए। कई लोगों को संगति करना, बातें करना बहुत पसंद है ना, बातें बहुत करते हैं, मिल जाएंगे, गर्ल्स टॉपिक हम जानते हैं, गर्ल्स टॉक, है ना, लड़कियां मिलती हैं, खूब बातें करती हैं, संगति करती हैं एक दूसरे, हर किसी की बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, चिंता ना करिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो संगति करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गलत चीजों को सीखते हैं, और वो संगति कुसंगति में बदल जाती है और जीवन का नाश हो जाता है। तो परमेश्वर ये भी बताता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, उनके बीच में भी जाना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हमें प्रचार करना, उनके बीच में भी नहीं जाना है, नहीं, उनके बीच में इस रीति से नहीं जाना है कि उनकी चीजों को हम अपनाएं, लेकिन हम उनके बीच में जाएं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन से झलकाएं, दिखाएं। देखिए, हर जगह प्रचार करना उतना आवश्यक नहीं, आप अपने जीवन से प्रचार कर सकते हैं, आपका चाल चलन लोगों को सोचने पे विश्वास कर देगा कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया, किस रीति से आप इतना बदल गए हैं। परमेश्वर ये चीज आपके अंदर डालेगा और आपका जीवन लोगों के लिए एक दीपक की नाई, एक उजियाले की नाई होगा कि लोग आपको देख लेंगे दूर से और आपकी तरफ आ जाएंगे और आपके पास आएंगे और अपने अंधकार के जीवन को भी उजियाला कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे ऐसा ही जीवन चाहता है। और जब हम आगे देखेंगे तो लिखा है उसी पहले पद का सी पार्ट, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब यहाँ पे बैठना सिर्फ इंग्लिश वर्ड है और हिब्रू से इसको जो समझाया गया है वो कुछ है कि बैठना मतलब हिस्सा बन जाना, है ना। कभी कोई, अब आप चलो चल रहे हो, खड़े हो, ठीक है, पर आप अगर बैठ गए, आप बैठ गए मतलब आप पूरी रीति से उसका हिस्सा बन गए हो, आपने उस चीज को अपना लिया है, उसमें आप रम गए हो, आपको अब मजा आने लगा उन बातों में, हमको मजा आने लगा उन बातों में, उन बुरी बातों में, मजाक करने में, किसी भी चीज का मजाक करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है हम नहीं देखते,
कई बार होता है हमसे, हमें क्षमा मांगने की जरूरत है, चीजों को सीखने की जरूरत है। लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो ये शब्द है बैठना, उसको बताया गया हिस्सा, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें जो प्रभु का मजाक उड़ाते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर बेतुकी बातों को बोलते हैं। क्योंकि जो ये ठट्ठा करने वाले लोग हैं, ठट्ठा मतलब मजाक करने वाले, जिनको कोई मतलब नहीं है, कभी आप जाते हैं किसी से बात करते हैं तो वो परमेश्वर को ही ठट्ठा में उड़ा देता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई प्रार्थना दुआ में मन लगा, तो लोग कहते हैं कि अपने आप को धर्मी मत समझ, हम भी करते हैं प्रार्थना, हम भी करते हैं, हम दिखाएं क्या वगैरह वगैरह, बहुत कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। और फिर वो बेतुकी बातों पे डिस्कशन करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं आजकल मीम्स चलता है ना, मीम्स, और जो इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह फॉरवर्ड होता है, तो किसी भी हद तक लोग क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा दे रहे हैं, परमेश्वर का भी मजाक उड़ा दे रहे हैं। हम तो इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ एक बहुत ही इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, हर धर्म को इज्जत जरूर देते हैं लोग, है ना, कहीं कुछ लोग उसका करते हैं, लेकिन कभी आप मीम्स वगैरह या ऐसी चीजों पे बहुत बवाल मच जाता है। लेकिन जब आप वेस्ट कंट्री में जाओगे तो ज्यादातर लोग वहाँ ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, और उनके लिए यीशु मसीह का या उनके वचनों का मजाक उड़ाना काफी आसान सा हो गया है। किसी भी वचन को किसी भी तरीके से मजाक में उड़ाते हैं, यीशु मसीह के चरित्र को लेकर उंगलियां उठाते हैं। कहीं ऐसी मूवीज बनी है, द विंची कोड के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें बताया गया कि यीशु मसीह की एक पुत्री थी, और ऐसे करके वो काफी बवाल का विषय बनी। और कई ऐसी चीजें हैं जिसपे लोग मजाक उड़ाते, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना, उस चीज का हिस्सा बनने से हमें दूर रहना, उनके साथ बैठने से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उनका प्रतिफल उन्हें देगा, और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस रीति से हमें अपना चलना, खड़ा रहना और बैठना परमेश्वर के समीप शोभायमान बनाना है, किस रीति से हम परमेश्वर के समीप बने रहें और किस रीति से परमेश्वर हमें चलाए, इसके लिए हम इन वचनों पर ध्यान दें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक धर्मी पुरुष के समान जिंदगी को जिए, धर्मी महिला, धर्मी भाई बहन के अनुसार अपने जिंदगी को जिए, अपना चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक खड़ा होना परमेश्वर को हम धन्यवाद करके चढ़ाने वाले बने, अपने जीवन को हम उसके अनुसार जिए और एक धन्य व्यक्ति बने। और जब हम आगे पढ़ते हैं कि किस रीति से, जो जब हमारा जीवन इस रीति से हो जाता है, तो किस तरीके से परमेश्वर हमें आशीषित करता है, लिखा हुआ आगे बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वचन में। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। जो धर्मी जन होते हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो बहाने नहीं मारता, यार आज तो यार ज्यादा पढ़ाई करना था तो ज्यादा पढ़ाई कर लिए और फिर प्रार्थना का समय चले गया, है ना, या आज आधा गाना गा लेते हैं या आज सिर्फ प्रार्थना कर लेते हैं, इन चीजों से भागता नहीं है वो, इससे प्रसन्न रहता है। जब वो गीत गाता है परमेश्वर को महसूस करता है, जब वो वचन पढ़ता है परमेश्वर को महसूस करता है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर को महसूस करना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, उसके वचन से प्रसन्न रहना है कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो सटीक है और हमारे जीवन में बिल्कुल काम कर रहा है। और रात दिन जब हम सुबह उठे परमेश्वर का नाम लें, जरूरी नहीं कि एक सेपरेट टाइम निकाल के अगर आप परमेश्वर को दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलते उठते बैठते हर चीज में आपको धन्यवाद देना। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जो छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगियों में परेशान करती है आपको, बहुत छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ, नॉर्मल डेज या नॉर्मल चीज हो सकता है कि आजकल हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में होते हैं, है ना,
और किसी न किसी को पसंद करते हैं, क्या करते हैं, तो जब आप जैसे ही प्रार्थना करने बैठते हैं उसी टाइम उसका फोन आ जाता है, होता है, फोन आ जाता है। जब आप बाइबल पढ़ते सोचते आज इसमें मैं मनन करता हूँ तो उसका फोन आ जाता है। बहुत दिक्कत है, समय ऐसा चल रहा है। नहीं तो परमेश्वर इन बातों से भी निकालेगा अद्भुत रीति से। जब आप परमेश्वर को समय देना चालू करेंगे तो वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा, चीजों को सही करेगा। हो सकता है उसको जो आपके लिए सही नहीं है उसको ही अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर जैसा चाहता है उसकी मर्जी पूरी हो जाए, ऐसे ही चाहना है हमें जैसा वो चाहे, या फिर जो सामने वाले को बदल दे या आपको बदल दे। परमेश्वर के व्यवस्था से हमें प्रसन्न रहना, बाकी दूसरी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं, है ना। क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया में हैं बस। इस चीज पे हमको सोचना है, समझना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। और एक उदाहरण दिया है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो व्यवस्था पे बना रहता है उसका जीवन आशीषमय होता है, उसके जीवन में कई फल लग जाते हैं कि लोग उस वृक्ष को देखते हैं, उसको खाते हैं, इतना घना होता है उसकी छाओं में बैठते हैं, उसका पूरा बेनिफिट उसकी सोसाइटी को मिलता है, उसके आसपास के लोगों को मिलता है, लोग खुश होते हैं उससे, परमेश्वर खुश होता है और हमेशा वो हरा भरा रहता है, खुश रहता है, उसका परिवार खुश रहता है, उसके आने वाली पीढ़ी खुश रहती है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस मनुष्य के समान बने रहें जो परमेश्वर के सम्मुख धन्य कहलाता है। दुष्टों के बारे में भी लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग, है ना, अभी इतना बात कर ली हम लोग, दुष्ट लोग धर्मी लोगों के बारे में बात कर लिए, है ना, कैसा जीवन, कैसे उसको चलना बैठना उठना है। दुष्ट लोग जो होते हैं भूसी के समान होते हैं, उन टेम्परेरी लाइफ होती है उनकी, टेम्परेरी होती, किसी चीज पे उनका काबू नहीं रहता, अपने मन पे उनका काबू नहीं रहता और जो कुछ भी वो करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा बुरी चीजों का ही सोचते हैं, दूसरों का बुरा ही सोचते हैं। कई बार लोग सवाल करते हैं मुझसे कि वो इतने, आप लोगों से भी किया होगा कि वो फलाना ढिकना व्यक्ति है, वो इतना बेकार आदमी है, उसकी शराब के ठेके हैं और उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मजे से वो रह रहा है और हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम गरीब हैं, ऐसे सवाल करते हैं मुझसे। उन लोगों का जवाब मेरे पास ये कि हमारा यीशु मसीह सलीब पर लेटा था, कांटों का ताज उसके सर पे लगाया गया था, तो अगर उसको तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा तो हम क्या चीज हैं। अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो इन भौतिक चीजों पे ध्यान ना दें, हम आत्मिक ग्रोथ की तरफ जाएं, आत्मिकता में हमें बढ़ना जरूरी है और परमेश्वर की राह पे चलना जरूरी है। वो अभी अभी जितना सुख सुविधा अपना लें, मिल जाए उनको, कोई दिक्कत नहीं, मिलने दो, हमें उनके बारे में नहीं सोचना। हमें जो आत्मिक युद्ध में जीतना है और हमें स्वर्ग में परमेश्वर के समीप जाना है और उसको देखना है, उसको महसूस करना है कि उसके लिए हमने अपने जीवन को डेडिकेट किया है, इस चीजों पे हमें चिंता करने की जरूरत है। जैसे मिल रहा है उसे मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें नहीं मिल रहा है लेकिन हम परमेश्वर में मगन है तो वही सच्ची शांति है, वही सच्चा आधार है परमेश्वर में बने रहने का। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, है ना, ये सबसे मेन लाइन है, कंक्लूजन है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर धर्मी लोगों का मार्ग जानता है। कोई धर्मी है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, उसके अनुसार कार्यों को करता है, उस पर विश्वास रखता है, तो परमेश्वर उसका रास्ता जानता है कि उसका अंत हमेशा भला रहेगा, अंत हमेशा भला रहेगा। और जो दुष्ट लोग हैं उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा, भले वो अभी खुश हैं, संसार में घुसे हुए हैं, तमाम चीजों को कर रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं,
ठीक हो सकता है आपके पास भी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है महंगी महंगी चीजें चला रहे हैं, महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं, बहुत अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं, उससे दूर हो गए हैं, दुष्टता के मार्ग पे चले गए हैं। लेकिन वचन कहता है कि दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा, ऐसे लोगों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो अपने आप को विनम्र करें और अपने आप को परमेश्वर में जोड़ के रखें, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आशीष देना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, धन्य कहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है कि हम वचन को सीखें, तो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिएं और उसके अनुसार चलाए चलें, और हमारा चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक खड़ा होना परमेश्वर के भाई, क्योंकि हम संसार में जरूर हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया, और आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, और प्रभु जी इस समय जो वचन सामर्थी तौर पे हमारे बीच में आए, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं बुद्धि और ज्ञान से हमें उंडेलने के लिए। इन बातों को हम ध्यान रखें कि प्रभु जी हम आपकी ओर से हैं पिता, संसार की ओर से नहीं, और प्रभु जी अपने मन को हम शांत रखने वाले बने, हम जहाँ हो प्रभु जी हम आपको डिस्प्ले करने वाले बने। प्रभु जी धन्यवाद हर एक बातों के लिए जितने लोगों ने सुना, प्रभु जी हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद, उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। इन बातों को हम अपने दिल हृदय में रखने पाए, अपनी जिंदगियों में अमल में लाने वाले बने। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के वचन के लिए परमेश्वर के दास को बहुत धन्यवाद, और सच में जो आज का वचन है कि हमें किस रीति से अपने चाल चलन को रखना है, किसकी संगति करना है, कैसी जगहों पर बैठना उठना है, वो सारी बातें हमारे लिए बहुत प्रथम है, हमारा फाउंडेशन है वो जब परमेश्वर के हम वचन को समझते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करा और उनके द्वारा हमने वचन की सेवकाई पाई है। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा आशीष दे, जिस भी जगह में वो सेवकाई करते हैं, जिस भी जगह में वो बच्चों को शिक्षित करते हैं, परमेश्वर कई अधिक रीति से वहां पर कई सारे जवानों को खड़ा करे। और जितने भी लोग इस डब्ल्यूसी मिनिस्ट्री में नए नए जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है, विशेषकर श्वेता मिंज का, और कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, पर मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे मध्य में गेस्ट हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आज वो हमारे साथ में जुड़े हैं। और कुछ सूचना है कि प्रति ट्यूसडे और फ्राइडे को फेलोशिप होती है और इसी समय पे होती है, और उसी के साथ साथ सैटरडे को जोन वाइज फेलोशिप होती है, रायपुर जोन, अंबिकापुर जोन, सीतापुर जोन, तो आप उसमें सहभागिता दिखा सकते हैं, आपको डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। और अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है 9589860072, 9589860072। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हमें गीत गाएंगे, उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में अगर सरिता तिर्की है तो वो हमें अंतिम प्रार्थना की ओर अगुवाई करेगी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत के बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद खुदा आपका, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने
तुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे अंतिम, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरिता तिलकी हमारे साथ जुड़ी है तो वह अंतिम प्रार्थना की ओर अगुवाई करेगी। पूछे हम लोग सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता समय के लिए कि प्रभु बहुत समय के बाद पिता परमेश्वर आज के इस फेलोशिप में मैं ज्वाइन हो पाई। आपने यह सुंदर मौका मेरे जीवन में दिया प्रभु, विशेषकर प्यारे परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए एक नया मौका मेरे जीवन में दिया। इस बात के लिए परमेश्वर पिता मैं आपके आभारी हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं प्यारे परमेश्वर पिता, हम में से जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय इस फेलोशिप में प्रभु जिस कॉन्फ्रेंस में इस समय में उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने सुंदर मुलाकात एक यंग जनरेशन के अनुसार प्रभु जो युवाओं को आपने इकट्ठा किया पिता कि हम तेरे वचन को प्रभु जी सुन पाए। विशेष का धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर अब्राहम जी के लिए प्रभु, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर आपने एक सुंदर आराधना का वह समय को दिया प्रभु कि हम आपकी सुंदर उपस्थिति में प्यारे पिता अपने आप को आपके साथ प्रभु जी हम महसूस कर पाते हैं प्रभु। विशेषकर पिता परमेश्वर हम इस समय में पास्टर अतुल के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जिनके माध्यम से प्रभु जी आपने अपने दासों को उपयोग करके पिता आपके वचन को प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु बांटा है। जिस बीच को परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए बोया प्रभु, इस वचन को हम बहुत पहले से जानते थे खुदावन राजा, पर परमेश्वर पिता एक नए रूप से प्रभु आज आपके दास के द्वारा हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रभु आपकी बातों को सीखा प्यारे प्रभु कि किस प्रकार पिता परमेश्वर हमें उठना है, चलना है, बैठना है प्रभु। और दो मार्ग के विषय में हमने जाना प्रभु, क्योंकि प्रभु हो सकता है हमने से हर एक लोग प्यारे परमेश्वर पिता हर एक दिन आपकी संगति में बैठते हैं, आपके वचनों को सीखते हैं, कई अन्य प्रकार की यूट्यूब में परमेश्वर पिता हमें शिक्षाओं को लेने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु जब हम प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं परमेश्वर पिता, ऐसे कई सारे संघर्ष एक स्ट्रगल का पार्ट प्रभु हम अपने जीवन में अपने सामने में देखते हैं प्रभु। और शायद तब परमेश्वर पिता हमें आपकी महसूस होती है प्यार प्रभु कि हमें किस राह को चुनना है प्रभु। कई बार पिता परमेश्वर हम अपने वीकनेस के कारण प्रभु ऐसे कई सारी
कमजोरियां प्रभु जो हमारे जीवन को निरंतर घेरे हुए रहती है प्रभु, लेकिन तेरी हाथों का परछाई परमेश्वर पिता सदा हमारे हाथ हमारे सर के ऊपर होता है प्रभु। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर पर प्रभु, हम इस समय में जिस मैसेज को हमने इस समय ग्रहण किया है पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय है, हम सभी आपके हाथों में अपने आप को सौंप देना चाहते हैं। हम अपने जीवन को आपको सरेंडर करते हैं प्रभु। जब भी हमारे आने वाले फ्यूचर में प्रभु ऐसा समय आता है पिता कि जब हमें मार्ग को चुनना, पहचानना और परखना की जरूरत पड़ती है प्रभु, उस समय में परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु जी हम से हर एक के जीवन में प्रभु उस आशीष को प्रभु जी तू देना प्रभु, अपने परख की आत्मा हमें देना प्रभु कि हम सच्चाई और गलत चीजों के ऊपर प्रभु जी हम परख करना जानने पाए प्रभु। इस दो मार्ग प्रभु जी, एक धर्म का मार्ग है परमेश्वर पिता, एक दुष्ट का मार्ग है प्रभु, क्योंकि तूने लास्ट में परमेश्वर पिता अपने वचन में इन बातों को कहा है प्रभु कि तू धर्मियों के मार्ग को तो जानता है लेकिन जो दुष्ट की चाल चलते हैं प्रभु वो हमेशा विनाश की ओर जाता है प्रभु। तू वचन में एक बात कहता है प्रभु कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ प्रभु, हम आज अपने जीवन में आपको इनवाइट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक समय हर एक पल जब हम किसी के साथ भी मिलते जुलते उठते बैठते हैं प्रभु जी, आप निरंतर हमें अपनी अगुवाई देना प्रभु, अपने बातों को तो हमें सिखाना अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, कि हम अपने जीवन में सही चीजों को चुनाव करने में पिता हम सफल होने पाए। और सारी प्रार्थना परमेश्वर पिता आज के सुंदर सेशन के द्वारा प्रभु यही प्रार्थना हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि हम अपना जीवन गंवाना नहीं चाहते पिता। एक बहुत सुंदर बातें हमने आज सीखा प्रभु कि हम इस संसार में है लेकिन संसार के नहीं है प्रभु। इन बातों को तो हमारे जीवन में होने दे प्रभु, कि जिस व्यवस्था को परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए रख छोड़ा है प्रभु, सिर्फ हम उसकी ओर अपने ध्यान को लगा सके, ताकि हम प्रभु सिर्फ तेरे वचन के अनुसार पिता अपने जीवन में वॉक कर ले पाए, हम उठना सीखे बैठना सीखे प्रभु, हमारे जीवन को सभी चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अपना नियंत्रण अपना कंट्रोल प्रभु जी हमारे जीवन के ऊपर दे, ताकि प्रभु हम सिर्फ आपका सुने और परमेश्वर पिता आपके अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता हमारा जीवन हम व्यतीत करने पाए। यही प्रार्थना पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमें से जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित है प्रभु हमारे को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना पिता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। छोटी सी प्रार्थना किताब सुन और जैसे स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की विनती से एंड करेंगे। हे पिता हमारे, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे भी स्वर्ग में है वैसे स्थिति पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमको दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है, आमीन। सबको जय यीशु सहाय।